गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आज हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे गांव और शहर। गांव और शहर आप सभी जानते होंगे, गांव में हमें खुली हवा मिलती है, ताजी सब्जियां मिलती है, दूध मिलता है, घी मिलता है, खुला वातावरण मिलता है, हरियाली मिलती है, मानते हो ना इस चीज में। जबकि शहरों में ये सब तो नहीं मिलता, ठीक है ना। लेकिन शहरों में हमें जैसे शिक्षा की सुविधा है, अस्पताल की सुविधा है, मनोरंजन के साधनों की सुविधा है, तो दोनों ही चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें गांव और शहर में बहस छिड़ी हुई है, दोनों अपने आप को एक से बढ़कर एक बता रहे हैं, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, एक दिन गांव और शहर में भेंट हो गई। दोनों को अपनी अपनी खूबियों पे गर्व था, इसलिए दोनों में भेंट होते ही बहस छिड़ गई। तो दोनों में बहस क्यों छिड़ गई? क्योंकि दोनों को ही अपने अपने ऊपर घमंड था, इसलिए बहस छिड़ गई। गांव, कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या बात है? गांव, शहर, तो क्या 18 इंच चल रहे थे तुम मेरे बराबर हो जाओगे? तुम्हें क्या पता शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। गांव को अब गांव वाले नहीं पूछते, मेरे और धड़ाधड़ भाग रहे थे। सच्चे बच्चों कि गांव के लोग भी अब शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। क्यों? कोई शिक्षा के लिए, कोई रोजगार के लिए, गांव धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, ठीक है ना। गांव, लगता है तुम्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। भाई तुम लोग जानते हो भारत गांवों का देश है। भारत को गांवों का देश क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत की 70% जनता गांव में निवास करती है। भारत की 70% जनता गांव में निवास करती है, इसलिए भारत को गांव का देश कहा गया है। अब यह भी जान लो कि गांव अब पहले के गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। गांव के निवासियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ गया, वो तो हम देख ही रहे हैं कि अब धीरे धीरे गांव में भी परिवर्तन हो रहा है। शहर, अरे भाई क्यों अपने मियां मिट्ठू बन रहे हो, मतलब खुद की तारीफ खुद क्यों कर रहे हो? शहर के लोग कभी कभी गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसी नई क्या नई बात हो गई जो शाम से बता रहे हो? गांव, मेरे कुछ वादे तो सब जानते हैं, खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहराते खेत और बाग बगीचों की हरियाली अनायास से सबके मन को आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो क्या क्या है गांव में? साफ हवा है, खुला वातावरण है, खुली धूप है, लहराते हुए खेत है, ठीक है ना। शहर, मानता हूं, पर गांव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में तुम कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे हो? तुम्हारे यहाँ शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था तो है ही नहीं, क्योंकि गांव में बाहर जाना पड़ता है। लेकिन बच्चों अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हर किसी के घर में शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था है। गांव में तालाब के लोग नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं, पशुओं को भी उसी में पानी पिलाते हैं और नहलाते हैं। वे आसपास के स्थान को भी गंदा करते हैं। प्रदूषण केवल धुआं या धूल से नहीं होता है, बल्कि गंदे स्थान, गंदी वस्तु और गंदे जल से भी होता है। तुम्हारे तालाब का तो यह हाल है कि उसमें नहाने से लोगों को खुजली पैदा हो जाती है। गांव, कुछ सीमा तक तुम्हारी बात सही हो सकती है, यहाँ ये तालाब वाली बात बिल्कुल सही है, किंतु इसके लिए कुछ विशेष कारण है। कारण क्या है बच्चों? बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। पहले गांव में आबादी कम थी, तब तालाब का पानी इतना गंदा नहीं होता था, लेकिन अब गांवों की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका प्रभाव सफाई पर भी पड़ेगा ही। इसके अलावा परिवार बढ़ने से खेतों में कई बंटवारे हो गए, की वजह से पहले एक के पास एक व्यक्ति के पास है ना 4 बीघा जमीन थे, उसके 2 बेटे हुए तो 2 बीघा 2 बीघा बट गई, अब उनके भी 2 बेटे हुए तो फिर वो 1-1 बीघा बट गई। तो ऐसे क्या हुआ, गांव जो खेतों का जो आकार था वो छोटा हो गया, जैसे लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए। लेकिन तुम यह ना समझो कि मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं है, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तो तुम्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं, मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। शहर, क्यों नहीं, तुम्हें मेरे बारे में तो सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। गांव, ऐसा कहकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अरे तुम्हारे तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई कई मंजिलें नहीं होती, ऊंचे आपस में सटे हुए मकान के जैसे, लोगों को सूर्य के दर्शन भी नहीं होते। मानते हो इस चीज को? हम लोग शहरों में रहते हैं, हम देखते हैं ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, तो सच में ऐसा होता है कि आपका सूरज जम्मू दिखाई नहीं देता। रात में बिजली के प्रकाश से जगमगाने वाले दिन घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते हैं। शहर, स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की सुलभता पर तुम इतना इतरा रहे हो, जरा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े को भी, ढेर को भी देखो, अपनी गलियों के दर्शन भी करो। गांव में क्या होता है, जगह जगह कूड़े के ढेर है, गलियां छोटी छोटी है, तो वो उन सब का कारण नहीं की है जनसंख्या वृद्धि। कूड़े के ढेर भी रख रहे हैं और गलियां भी पक्की हो रही है। खुली धूप और हवा ये गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण कितना आवश्यक है तुम जानते ही होंगे।
ग्रामवासियों की बड़ी सुलभता के साथ पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तुम भी सहमत ही होंगे। शहर किन पदार्थों की सुलभता की बात कर रहे हो, मतलब क्या मिलता है गाँव में ऐसा? तो गाँव बता रहा है दूध दही घी हरी सब्जी ताजा फल खाने का शुद्ध तेल गुड़ ईख दाल अनाज। अंडरलाइन करो ये सब, यही तो पौष्टिक भोजन के आधार है। मेरे किसान इनको उत्पादन करते हैं इसलिए वस्तु गांव में सरलता से और शुद्ध रूप में मिल जाती है। शहर तो कौन सी बड़ी बात है, मेरे अनाज मंडी सब्जी मंडी अन्य वस्तुओं के बाजार है जहाँ सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती है। स्कूल कॉलेज सिनेमा अस्पताल आदि होने के कारण लोगों को शिक्षा मनोरंजन स्वास्थ्य रक्षा साधन की भी सहायता। अंडरलाइन कर लो, गाँव में तो क्या मिलता है बता दिया, अब शहरों में क्या मिलता है? शहरों में स्कूल है कॉलेज है सिनेमा है अस्पताल है आदि की सुविधा हमें प्राप्त होती है। इनके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती होता है ना, गाँव में एकदम से कोई बीमार लोग उसको शहर लेके भागते। मेरे कल कारखाने और मिलों में गाँव के लोग ही काम मिलता है। गाँव देखो भाई तुम्हारे बाजार लोगों को लुभाते हैं लूटते हैं उनकी गेट पर डाका डालते हैं। राशन की दुकानों में घटिया अनाज मिलता है, बाजार में खाद्यान्नों में मिलावट होती है। मेरे यहाँ खेती और बागवानी होने से अनाज फल सब्जी शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। कृषि के साथ साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन में विशेष लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध दूध दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है। शिक्षा के लिए गाँव शहरों पर निर्भर है, तो गाँव शहरों में किस चीज के लिए? शिक्षा और रोजगार के लिए। पर यह उनकी गुणाता है कि नहीं तुम्हारे कारखाने और मिलों में कार्य करने की बात तो यह मत भूलो कि तुम्हारी कपड़ा मिल दाल मिल गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से ही चल रही है। शहर या तो तुम अपने बारे में पुरानी रटे रटे बात दोहरा रहे हो, अरे दूध मिलता है गांव वालों को, शहर में तो मोल का मिल जाएगा गाँव में तो मोल का भी नहीं मिलता। हाँ कच्चे माल वाली बात मैं मानता हूँ, गाँव भैया फालतू दूध को शहर भेज दिया जाता है, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अपन जो डेयरी का दूध पीते हैं कहाँ से आता है, गांव से ही आता है ना वो। देखो भाई अब गांव का भी बदलता जा रहा है, स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद गांव और शहरों में आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्रसार प्रसार के लिए गाँव में स्कूल अनौपचारिक केंद्र जैसे आंगनबाड़ी ये सब होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूर में अस्पताल खोले गए हैं। विद्युतीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, मतलब लाइट्स भी अब गाँव में आ गई, जगह जगह पानी की टंकियां बनी हुई है। शहर तुमने पशुपालन के लाभों का तो खूब गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या कभी चारा गया बना है? लोगों के पास पड़ोस में वनों को काट कर चारागाहों को जोतकर खेतों में बदल दिया। ऐसा लगता है वन संपदा और पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को गाँव के लोग भूल गए हैं। भाई ये बात तो मैंने स्वयं बताई थी, जनसंख्या वृद्धि की अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, परिवारों का आकार बढ़ता गया लेकिन खेती की भूमि तो सीमित ही है, अतः लोग परिणाम की चिंता किए बिना वनों को काट रहे हैं और चारागाहों को भी खेतों में बदल रहे हैं। इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे। शहर सच्चाई है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ऊपर दोहरी मार पड़ रही, तो मेरे क्षेत्र पर बढ़ती पीढ़ी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और दूसरा गाँव से भी लोग शहरों में आ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने से सबको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आवास आदि की सुविधाएं सुलभ कराना कठिन हो रहा है। कौन कौन सी सुविधाएं? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आदि की सुविधाएं सुलभ कराना आसान नहीं है, कठिन हो रहा है। हाँ एक बात अवश्य, जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोग सचेत होने लगे हैं। हरियाली लाने के बारे में लोगों में चेतना आई है। गाँव और शहर दोनों क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाकर हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों को लोग जब स्कूल थे तो प्लांटेशन पौधारोपण प्रोग्राम करते थे ना, तो ये स्कूलों में इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि बच्चों को हरियाली के बारे में बताया जाए, ठीक है ना। गाँव यह बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे बढ़ते आकार से खतरा है। बड़ी हुई जनसंख्या को आवास की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए नई आवासीय बस्तियों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए पास पड़ोस के गांव की खेती की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। फलत है कृषि की भूमि में कमी होती जा रही है, यही खेतों की भूमि कम होती गई तो अन्न और सब्जी के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। शहर परिवार चाहे शहर में रहे या गांव में, लोगों को समझदारी से काम करना होगा। यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो सभी सदस्यों को भोजन आवास शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्राप्त होंगी।
मेरे बढ़ते आकार के बारे में तुम्हारी बात अवश्य सही है, बढ़ती आबादी के कारण कुछ और भी कारण है। मेरा आकार बढ़ने का कारण है कारखानों की स्थापना, नए कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरे क्षेत्र में बने सामान का लाभ गांव और शहर दोनों जगहों के लोग उठाते हैं। गांव, हाँ सच तो यह है, लोगों के जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुलभ कराने में हम दोनों का योगदान है। किस किसका? गांव और शहर का, हम दोनों का योगदान है। अनाज, फल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता हूँ, तुम हर दिन काम आने वाली वस्तुओं की पूर्ति करते हो। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। आगे समझ में इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करने का क्वेश्चन भी है कि गांव और शहर एक दूसरे के पूरक कैसे। तो आप इसमें लिखोगे कि शहर तो वो सॉरी गांव तो अनाज, फल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता है और शहर हर दिन काम आने वाली वस्तुओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक है। हमारे निरंतर विकास से अलग अलग गांवों और शहरों का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब शहर कुछ भी हो, गांव के लोग अभी पिछड़े हुए हैं, न उनके पास विचार है, नई उन्नति की नई योजना है। गांव, अरे भाई देश को एक से बढ़कर एक कवि, लेखक, अंडरलाइन करो, कवि, लेखक, कलाकार, सामाजिक नेता, देशभक्त, समाज सेवक गांव ने ही दिए हैं। गांव के लोक नृत्य को लोक गायक भारत की संस्कृति की पताका, पताका का मतलब होता है झंडा, ठीक है, विदेशों में फैला रहे हैं। तुम हो के गांव को बिछड़ा हुआ कहते हो, तुम्हारे गगनचुंबी भवन उम्मीद के अनपढ़ हाथों से बनाए हुए हैं। गगनचुंबी मतलब ऊंची ऊंची इमारतें, खदानों से खनिज संपदा उन्होंने ही निकाल ली है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बल बूते पे चल रहे हैं, तुम्हारी सड़कों पर बसें भी वही चला रहे हैं, पुलिस और सेना उन्हीं के बल पर है, देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बागों को संभाले हुए हैं। न भाई न इतना कर्तव्य न बनो, वैसे दशा गाँव की भी सुधर रही है और हम दोनों के बीच का अंतर भी घटता जा रहा है। शहर, सच्चाई तो यही, बहुत समय पहले भी मैं भी एक छोटा सा गांव था और धीरे धीरे बड़े से आज मेरा ये रूप हो गया। हम दोनों की प्रगति से राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से जुड़ी हुई है। वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई हो। बड़े भाई किसको बोला उन्होंने? गांव को। ये हुई ना बात भैया, हम दोनों जहाँ सदा एक दूसरे के पूरक है। मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे और तुम्हारी कार्यकुशलता, वैज्ञानिक दृष्टि तुम भी बने रहो, मैं भी बना रहा हूँ, जियो और जीने दो। यही तो समाजवाद है, सर्वभवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुख, इस समाज में रहने वाले सभी लोग सुखी रहे। अच्छा भाई मतलब चला कि तुम किस घर का है, तुम संभालो अपने कारखानों को। बस एक अंतिम प्रार्थना है कि पश्चिम की चटक मटक की नकल में भटक मत जाना और प्रकृति की चकाचौंध में मुझे भूल मत जाना। याद रखना भारत की आत्मा गाँव में ही निवास करती है। तो बच्चों आज आपने गांव और शहर का चैप्टर पढ़ा, कैसा लगा? समझ में तो आ गया होगा कि गांव से जहाँ भी शुद्ध फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, घी मिलता है, दूध मिलता है, वहीं शहरों से हमें रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो आज आपको खाली इसके शब्दार्थ करने हैं और चैप्टर को रीड करना है, ठीक है? थैंक यू।